कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं गीता सुमन हाजिर हूँ आपके समक्ष शो भारत दर्शन लेकर। दोस्तों, भारत दर्शन के पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे ताजमहल की। हम उत्तर प्रदेश के एक बड़े जिले आगरा में थे और आगरा में हम बात ताजमहल की कर रहे थे, और हमारा सफर खत्म नहीं हुआ था। तो इस शो में भी ताजमहल का सफर, सुहावना सफर जारी है मेरे साथ। शाम के 7 बज चुके हैं, शुक्रवार का दिन, और तैयार है भारत दर्शन और यात्रा कर रहे हैं हम ताजमहल की। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने ताजमहल के बारे में बहुत कुछ जाना, उसकी बनावट, उसकी सजावट, उसका इतिहास, उससे जुड़ी कई कथाओं के बारे में। और आज भी मैं कुछ जाने अनजाने फैक्ट्स के साथ हाजिर हूँ, और करते हैं हम बात ताजमहल से संबंधित। दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं साथी इमारतों के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ताजमहल का द्वार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ताजमहल इमारत समूह है जो कि रक्षा दीवारों से प्रतिबद्ध है। ये दीवारें तीनों ओर लाल बलुआ पत्थरों से बनी हुई हैं। ताजमहल का द्वार नदी की ओर खुला हुआ है। इन दीवारों के बाहर अतिरिक्त मकबरे स्थित हैं। इन मकबरों में शाहजहां की अन्य पत्नियां दफन हैं। यहां पर एक बड़ा मकबरा है जो कि ऐसा कहा जाता है कि वो मुमताज महल की सबसे प्यारी दासी के लिए बना हुआ है। ये इमारतें भी ज्यादातर लाल बलुआ पत्थरों से बनी हुई है और उस काल के छोटे मकबरों को दर्शाती हैं। दोस्तों, इन दीवारों की बागों से लगी अंदरूनी यानी अंदर की ओर स्तंभ सहित तुरंग वाले गलियारे हैं। ये हिंदू मंदिरों की शैली है और जिसे बाद में मस्जिदों के लिए भी अपना लिया गया। दीवारों में बीच बीच में गुम्बद वाली गुमतियां भी हैं, यानी कि छतरी वाली इमारतें। छतरी, दोस्तों, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि ये गुम्बद की ही तरह बनी हुई है, लेकिन इनमें आकार का फर्क है। ये मुख्य गुम्बद से थोड़ी छोटी है। दोस्तों, ये इमारतें ऐसा लगता है कि शायद तब ये पहरा देने के काम आती होंगी, लेकिन अब ये संग्रहालय में तब्दील है। यहाँ पर मुख्य दरवाजा, मुख्य द्वार भी एक स्मारक स्वरूप है। ये द्वार भी संगमरमर
और लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। ये आरंभिक मुगल बादशाहों की वास्तुकला का स्मारक है। इसका मेहराब ताजमहल के मेहराब की प्रति है, यानी कि कॉपी है। इसके मेहराब पिश्ताकों पर सुलेखों से अलंकरण किया गया है। मेहराबी छत एवं दीवारों पर इन इमारतों में ज्यामितीय नमूने बनाए गए हैं। ताजमहल की मस्जिद इस समूह के सुदूर छोर पर स्थित है। दो विशाल इमारत जो कि लाल बलुआ पत्थरों से बनी हुई है, ये मकबरे की ओर सामना किए हुए हैं। इनके पिछवाड़े पूर्वी और पश्चिमी दीवारों से जुड़े हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे के प्रतिबिंब आकृति हैं। पश्चिमी इमारत एक मस्जिद है और पूर्वी को जवाब कहते हैं, जिसका प्राथमिक उद्देश्य वास्तु संतुलन है और ये हमेशा से आगंतुक कक्ष की तरह प्रयुक्त होती रही है। इन दोनों इमारतों के बीच सिर्फ इतना अंतर है कि मस्जिद में एक मेहराब कम है, उसमें मक्का की ओर आला बना है। जवाब के फर्श में ज्यामिति नमूने बने हुए हैं और जबकि मस्जिद के फर्श पर 569 यानी 569 नमाज पढ़ने के लिए बिछोने बने हुए हैं। ये चार नमाज के प्रतिरूप काले संगमरमर से बने हुए हैं। मस्जिद का मूल रूप शाहजहां द्वारा अन्य मस्जिद के समान ही है, मतलब शाहजहां ने जो दूसरी मस्जिदें बनाई, इस मस्जिद का भी वही आधार है। खासकर मस्जिद की जहानुमा या फिर दिल्ली की जामा मस्जिद, एक बड़ा दालान कक्षिया प्रांगण जिस पर तीन गुंबद बने हैं। इस काल की मुगल मस्जिदें पुण्य स्थान को तीन भागों में बांटती हैं, बीचों बीच मुख्य स्थान और दोनों और छोटे छोटे स्थान हैं। ताजमहल में हरेक पुण्य स्थान बृहद मेहराबी तहखाने में खुलता है। 1643 ईस्वी में ये साथी इमारतें पूरी हुई। Seven days, 168 hours, 10,080 seconds. The world faces infinite amount of changes. Thunderous, terrorizing, terrible and tantalizing events. Everything will be kept in 60 minutes. Only on Radio Udaan, World Will Read, a war on the globe. Every Sunday, 8 to 9 p.m. with Balanagendran. Don't forget to tune into Radio Udaan to listen to World This Week, a ball on the globe.
अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, आपके घर वाले आपको पसंद करें, आपसे खुश रहें, आपकी प्रशंसा करें, तो आइए हमारे साथ रेडियो उड़ान के कार्यक्रम जायकेदार बातें में। इस कार्यक्रम में हम आपसे करेंगे कुछ ऐसी बातें जिससे कि आपका जीवन बने आसान और आप रहे हमेशा सेहतमंद। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का, सुनिए हमारा कार्यक्रम जायकेदार बातें। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार रात 8 बजे और शनिवार शाम 4 बजे। तो सुनना ना भूलिएगा हमारा कार्यक्रम जायकेदार बातें। दोस्तों, ताजमहल का फर्श मानचित्र आगरा नगर के दक्षिणी छोर पर एक छोटे से भूमि पठार पर बनाया गया था। शाहजहां ने इसके बदले जयपुर के राजा महाराजा जय सिंह को आगरा नगर के मध्य एक बृहत महल दिया था। लगभग 3 एकड़ के क्षेत्र को खोदा गया, उसमें कूड़ा करकट भरकर नदी सतह से लगभग 50 मीटर ऊंचा बनाया गया, जिससे कि सीलन आदि से बचाव हो सके। मकबरे के क्षेत्र में 50 कुएं खोदकर उसमें कंकड़ पत्थर भरकर नींव स्थान बनाया गया। एक बहुत बड़ा मकबरे समान ईंटों का ढांचा बनाया गया। ये ढांचा इतना बड़ा था दोस्तों कि अभियंतों के अनुमान से इसे हटाने में ही सालों लग जाते। इसका समाधान ये हुआ कि शाहजहां ने आदेश दिया स्थानीय किसानों को कि कोई भी जितनी चाहे ईंटे ले जा सकता है। तो परिणाम ये हुआ कि रातों रात में ये स्थान खाली हो गया, ढांचा रात भर में ही साफ हो गया। सारी सामग्री और ताजमहल के निर्माण के लिए संगमरमर को पहुंचने स्थान पर पहुंचाने के लिए एक 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का ढाल बनाया गया। 20 से 30 बैलों को खास गाड़ी में जोड़कर शिलाखंडों को इस स्थान पर पहुंचाया गया। एक चरखी चलाने की प्रणाली बनाई गई, जिससे कि शिलाखंडों को इच्छित स्थान पर पहुंचाया गया। नदी से पानी लाने के लिए राहत प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। उससे पानी ऊपर बने बड़े टैंक में पहुंचाया जाता था, फिर ये 3 और टैंकों में पहुंचाया जाता था, जहां से ये नलियों या पाइपों द्वारा स्थान पर पहुंचाया जाता था। आधा शिला और मकबरे को निर्मित होने में 12 साल लगे, बाकी शेष इमारतें और अन्य भाग बाकी 10 वर्षों में पूरे हुए। इनमें पहले मीनारें बनी, फिर मस्जिद, फिर जवाब और फिर मुख्य द्वार का निर्माण किया गया। क्योंकि ये समूह दोस्तों कई अवस्थाओं में बना था, उसकी निर्माण समाप्ति तिथि में भिन्नताएं हैं। ये इसलिए है क्योंकि पूर्णता के कई पृथक मत हैं। दोस्तों, उदाहरण ये है कि एक जो इसका मुख्य मकबरा है, ऐसा कहा जाता है कि ये 1643 ईस्वी में पूरा हुआ और शेष समूह इमारतें बनती रही। इसी प्रकार इसके निर्माण कीमत में भी भिन्नताएं हैं, क्योंकि इसकी कीमत तय करने में समय के अंतराल से काफी फर्क आ गया है। फिर भी कुल मूल्य उस समय के हिसाब से इसका मूल्य लगाया जाता है 3 अरब 20 करोड़ रुपए। और अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो इसको वर्तमान मुद्रा में बदला जाए तो इसकी कीमत खरबों डॉलर से भी अधिक होगी। दोस्तों, ताजमहल को निर्माण करने के लिए संपूर्ण भारत और एशिया से लाई गई सामग्री द्वारा निर्माण किया गया। 1000 से अधिक हाथी निर्माण के दौरान यातायात में इस्तेमाल किए गए। बुखारा से शिल्पकार आए, सीरिया और ईरान से सुलेखन करता आए, दक्षिण भारत से पच्चीकारी के कारीगरों को बुलवाया गया, बलूचिस्तान से पत्थर तराशने वाले और काटने वाले कारीगर बुलवाए गए। कुछ खास कारीगर जो कि ताजमहल के निर्माण में अपना स्थान रखते हैं,
उनमें से हम आपको कुछ नाम बताते हैं। मुख्य गुंबद का निर्माण किया एके इस्माइल खान ने, काजिम खान जो कि लाहौर के थे, इसने ठोस स्वर्ण कलश का निर्माण किया, चिरंजी लाल जो कि दिल्ली का था और ये प्रधान शिल्पी था और ये एक पच्ची कारक भी था, यानी पच्ची कारी का काम किया इसने, अमानत खान जो कि ईरान से थे और ये एक सुलेखन करता थे, और ताजमहल के मुख्य द्वार पर जो सुलेखन कार्य किया गया उसके अंत में इनका नाम भी खुदा है। इरादों को जवानी दी है।
आकर ये गुमा होता है जिंदगी जैसे मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं सुंदर सदियां सुंदर हर एक पल सुंदर गर मानव जीवन हो सुंदर। जी हाँ दोस्तों, प्यार मोहब्बत की जरूरत है इस समाज में, जरूरत है भाईचारे की, एक ऐसा भाईचारा जो जुड़े पूरे समाज से। तो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए यूनिवर्सल नजर को, सुनना मत भूलें हर बुधवार 8 से 9 आपके अपने रेडियो स्टेशन ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल के पूरा होते ही शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में नजर बंद कर दिया था। शाहजहां की मृत्यु के बाद उसे उसकी पत्नी के बराबर में ही दफन कर दिया गया था। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के अंत में ताजमहल की हालत बहुत ही जीर्ण छीन होने लगी थी। सन 1857 में भी ब्रिटिश सैनिक और सरकारी अधिकारियों द्वारा ताजमहल को बहुत ही विरूपण सहना पड़ा। इन्होंने ताजमहल से बहुमूल्य पत्थर और रत्न दीवारों से निकाल लिए थे। 19वीं शताब्दी के अंत में दोस्तों ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने एक बहुत ही बृहद प्रत्यावर्ती परियोजना चलाई। ये परियोजना 1908 में पूरी हुई 1908 में पूरी हुई। उसने ताजमहल के आंतरिक कक्ष में एक दीपक या चिराग स्थापित किया, जो काहिरा में, मिस्र की राजधानी काहिरा में एक मस्जिद जैसा ही है। इसी समय यहाँ के बागों को ब्रिटिश शैली में बदला गया, वही आज दर्शित भी है। यानी आज आप ताजमहल देखने जाएंगे तो वहाँ पर जो बाग है वो दोस्तों वो बाग नहीं है जिसे शाहजहां ने बनवाया था, बल्कि लॉर्ड कर्जन ने उसे ब्रिटिश शैली में बदल दिया था। सन 1942 में मकबरे के इर्द गिर्द एक मचान सहित एक सुरक्षा कवच तैयार किया। इसका मकसद था जर्मनी और बाद में जापानी हवाई हमलों से इसे बचाना। 1965
और 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ उस समय भी यही किया गया, जिससे कि वायु बम वर्षकों को भ्रमित किया जा सके। इसके वर्तमान खतरे वातावरण के प्रदूषण से है। जो आजकल वातावरण में प्रदूषण फैलता जा रहा है उससे ताजमहल को काफी खतरा है। देखो दोस्तों, ताजमहल यमुना नदी के तट पर स्थित है और इस पर खतरा बना हुआ है अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन का, जो कि मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकले धुएं के कारण है। इसका सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भी कड़ा विरोध किया गया था। सन 1983 में इसे यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बातें हैं ताजमहल की, और भी बहुत कुछ है आगे। सुनते रहिए रेडियो उड़ान। पाइए दिस और खाइए चिप्स, चाहे हो ब्यूटी की, किचन की, होम डेकोरेशन की या हेल्थ की। सुनिए दिस विद चिप्स हर मंगलवार रात 8 से 9 बजे तक ऑन रेडियो उड़ान। लॉग ऑन टू www.radiouran.com।
वेलकम बैक दोस्तों, आप रेडियो उड़ान पर शो भारत दर्शन सुन रहे हैं और भारत दर्शन में हम आज बात कर रहे हैं ताजमहल की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में एक विवाद बताया था कि एक इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने एक याचिका दायर की थी और जिसे हमारे भारत की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ताजमहल एक हिंदू इमारत है। तो दोस्तों, हम इन महोदय की बात को ना भी माने तो इतिहास के, लिखित इतिहास के तमाम साक्ष्य उपलब्ध हैं कि वो ये बताते हैं कि एक मुस्लिम बादशाह शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया था। लेकिन दोस्तों, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत के परतंत्रता के युग में हमारे इतिहास को क्षति पहुंची है। दोस्तों, हम ताजमहल से जुड़ी प्रतिकृतियों के बारे में बात कर लेते हैं, यानी ताजमहल से प्रेरित होकर जो विश्व में और कई जगहों पर इमारतें बनाई गई हैं, ताजमहल को ध्यान में रखे या उसी की बनावट की तरह। एक तो है चीन के शिनजिन शहर के पश्चिमी भाग में विंडो ऑफ द वर्ल्ड थीम पार्क में ताजमहल की प्रतिकृति बनी है। इसके अलावा ताजमहल से प्रेरित होकर अन्य इमारतें, एक है बांग्लादेश ताजमहल, एक है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, अटलांटिक सिटी न्यू जर्सी में ट्रंप ताजमहल और एक त्रिपोली श्राइन टेंपल भी है, वो भी ताजमहल से प्रेरित है। वैसे तो दोस्तों, ब्रिटिश कालीन भारत में अंग्रेजों ने भारत की तत्कालीन राजधानी कलकत्ता में इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया के सम्मान में विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक बनवाया था, वो भी ताजमहल से काफी हद तक प्रेरित है। दोस्तों, ताजमहल प्रत्येक वर्ष लगभग 20 लाख से 40 लाख पर्यटक आते हैं, उनमें से 2 लाख से ज्यादा तो विदेशी सैलानी होते हैं। अधिकतर पर्यटक यहाँ अक्टूबर, नवंबर और फरवरी के महीने में आते हैं। दोस्तों, इस स्मारक के आसपास प्रदूषण फैलाने वाले वाहन प्रतिबंधित हैं। पर्यटक या तो पार्किंग से पैदल जा सकते हैं
या विद्युत चालित बस सेवा द्वारा भी जा सकते हैं। यहाँ पर एक नवीन पर्यटक सूचना केंद्र बनाया जाएगा। ताजमहल के दक्षिण में एक छोटी सी बस्ती को ताज गमनज कहते हैं। पहले इसे मुमताज गनज भी कहा जाता था। ये पहले कारवा सराय और दैनिक आवश्यकता हेतु बसाया गया था। प्रशंसित पर्यटन स्थलों की सूची में ताजमहल हमेशा से ही सर्वोच्च स्थान बनाए हुए है। ये 7 आश्चर्यों की सूची में भी आता रहा है। अब ये आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों में प्रथम स्थान बनाए हुए है। ये स्थान विश्वव्यापी मतदान से हुआ था, जहां इसे 10 करोड़ मत मिले थे। दोस्तों, सुरक्षा कारणों से केवल 5 वस्तुएं ही ताजमहल के अंदर ले जाने की अनुमति है, जैसे कि पारदर्शी बोतलों में पानी, छोटे वीडियो कैमरा, स्थिर कैमरा, मोबाइल फोन और छोटे महिला बटुए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ताजमहल की खूबसूरती देखने के लिए आगरा जरूर आएंगे। तो कैसा लगा ये ताजमहल का सफर, हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। हमें आपके सुझावों का भी इंतजार रहेगा। दोस्तों, ताजमहल का सफर यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले शो में किसी और राज्य में किसी और पर्यटन स्थल पर हमारी आपसे भेंट होगी। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं www.radioudaan.com पर, अपने सुझाव दे सकते हैं ताकि हम इस शो को और बेहतर बना सके। दिल्ली के रास्ते में पड़ता है आगरा। दोस्तों, दिल्ली जाते समय आगरा जाना मत भूलिएगा। गीता सुमन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तेरी उम्मीद, तेरा इंतजार करते हैं। 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 ऐसा नम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। ऐसा नम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। दिल
की दुनिया में घर बसाए हो। तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं, तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं, है सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, है सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते से प्यार करते हैं।